करण जौहर और राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया में अक्सर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, मगर ए दिल है मुश्किल का टीजर देखने के बाद रामू भी करण जौहर के फैन बन गए हैं। ए दिल है मुश्किल का टीजर रिलीज होते ही करण जौहर को सोशल मीडिया में जमकर तारीफें मिल रही हैं। आमिर खान से लेकर वरुण धवन और रणवीर सिंह ने टीजर और म्यूजिक की दिल खोल कर तारीफ की है, मगर इन सभी में सबसे स्पेशल है राम गोपाल वर्मा के वो शब्द जो उन्होंने ए दिल है मुश्किल के लिए कहे हैं। अपने ट्वीट में रामू ने लिखा, रणबीर के क्लोजअप को देर तक रखने का तरीका अच्छा लगा, इससे पता चलता है कि आपने कितने पैशन के साथ ये फिल्म बनाई है। रामू से मिली इस तारीफ ने करण को भी हैरान और खुश कर दिया, जिसका अंदाजा करण के जवाब से हो जाता है। करण ने लिखा, रामू मुझे लगता है कि तुमने मेरा दिन बना दिया। इस मिठास भरी बातचीत से वाकई ये लगता है कि दोनों फिल्म मेकर्स के बीच सीज फायर हो चुका है। कुछ वक्त पहले राम गोपाल वर्मा और करण जौहर के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की फिल्मों को लेकर ताने मारे थे। 50 सालों से हमने कोशिश की, हमारी गलती थी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमने कोशिश की, जब हमें जबरदस्ती इस मुल्क का हिस्सा बनाया गया और इस मुल्क में धकेला गया कि इसमें कोशिश करें कि रहें और बराबरी की बुनियाद पर रहें, लेकिन हर बार हमें ताकत के जरिए, फौजकशी के जरिए, कत्ल वारत के जरिए जवाब दिया गया कि आपको बराबरी की हैसियत हम कतन नहीं देंगे। ये मुल्क पंजाब का है और आपको इस मुल्क में जबरदस्ती एक गुलाम की तरह हम रखेंगे, और हम सिर्फ बलोच कौम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बलोच की वसाइल चाहिए। हमने तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकते, ये हमने फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हमने इस मुल्क को तोड़ने की बात की है, कि इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप पर आसमान टूट आया कि पाकिस्तानी मीडिया, जब हमने ये बात नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट को खुशामदीद कहा, तो इस पर आपने ये फर्ज समझा कि अभी शायद हमने वो तमाम हदें तोड़ दी तो अभी बात कर देनी चाहिए। तो आपने सब ने मिलकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो एक 3-4 दिन का आपने एक मुहिम चलाया, हमने तो सिर्फ बात की। जो इस मुल्क को तोड़ रहे हैं, जो आपके मुल्क को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने माजी में तोड़ा, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते मेरे भाई? यहां पर बलूचिस्तान में लोगों का खून बह रहा है, 5 ऑपरेशनें हुई हैं, 10 सालों से बलोच माएं बहनें अपने प्यारों को तरस रहे हैं, वो गायब हैं। इस पर कोई धरना नजर में नहीं आया हमें कि कोई किसी ने पाकिस्तान के किसी कोने में इन पर आवाज उठाई और धरना देकर रोडों पर निकल आए, क्योंकि आपको दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम इतने पागल हैं या बेवकूफ हैं कि हम बैठ के सोचेंगे कि नहीं नहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो भाई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है, हमें जबरदस्ती इसके साथ मिलाया गया, और जबरदस्ती ये हमारी गलती थी, हमें गलती तस्लीम करते हैं, हमारी गलती थी कि हमने अपना वक्त जाया किया इस मुल्क में रहने की कोशिश की, लेकिन अब हम इस मुल्क में कतन नहीं रह सकते। जब कोई आपका हिस्सा ही नहीं है, हम पाकिस्तानी ही नहीं है तो किसके गद्दार हैं? हमारा मुल्क है बलूचिस्तान, और हम इंशाल्लाह वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे बलूचिस्तान के। पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो आप पंजाब जानो, आपका मुल्क जाने और आपकी वफादारी जाने। ये तो मैं समझता हूँ एक बेवकूफी की बात है कि आप किसी और को कहें कि हमसे वफादारी करो, हमसे हमारा दिनों, खासकर नरेंद्र मोदी साहब के जो बयान आया बलूचिस्तान के बारे में और बलूचिस्तान पर होने वाले जुल्म के बारे में, जो कि पिछले 10 सालों से पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है, उसके बाद जो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी मीडिया का जो रद्द अमल सामने आया, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल हैरान कुन नहीं है। क्योंकि हम तो शुरू दिन से ही यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमतें, नुमाइंदा या कठपुतली जो भी कहा जाए,
सब मिलकर और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बलोच कौम की नस्ल कुशी कर रहे हैं। बलोचिस्तान में होने वाले ऑपरेशन और जुल्म का जो अगर जिक्र किया जाए तो आपको 6 महीने में या 1 साल में कोई एक दो इस तरह के बहस मुबाहसे या टीवी शोज नजर में आएंगे जिनके बारे में भी एक तरीके से और सेंसर करके जिक्र किया जाता है, लेकिन उसके बाद कभी भी बलूचिस्तान के बारे में किसी मीडिया एंकर ने बात नहीं की। वहां पर जो जुल्म हुआ और या हो रहा है अब भी, लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को हर दिन कत्ल किया जाता है, लोग घरों से घसीट के निकाला जाता है, मिसिंग होते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर उनकी लाशें रोड पर फेंक दी जाती हैं, सरेआम रोडों पर वीरानों में फेंक दी जाती हैं, कुछ हमारे लोगों को कत्ल करके उनको इज्तिमाई कब्रों में डाला जाता है। कभी इस पर किसी मीडिया ने तवज्जो दी? कभी इस पर कोई बात की गई? यही पाकिस्तानी मीडिया हर वक्त हमारे बयानात को त्रोड़ मरोड़ कर बयान करती है, सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और बैनुल अक्वामी सतह पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अभी भी रिसेंटली हमने देखा कि हमने जो कुछ इंटरव्यू दिए पर्सनली मैंने, तो फिर ये कहा गया कि ये बात करने के लिए तैयार हैं। भाई, हमने कभी भी बात करने से इनकार नहीं किया, हम शुरू दिन से यही कह रहे हैं, ये आपका फौज है, पाकिस्तानी फौज है, दहशतगर्द फौज है, जो हर वक्त बाय फोर्स कोशिश करती है कि मसाइल को हल किया जाए, बाय फोर्स, बाय आर्मी ऑपरेशन, बाय किलिंग लोगों को गुलाम रखा जाए, लोगों का वसायल लूटा जाए। अगर पाकिस्तानी फौज अपनी तस्लीम का अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और उसी तरह निकल जाए जैसे बांग्लादेश से 1970s में निकला था, तो मैं समझता हूं अब भी ये वक्त है आपके पाकिस्तानी फौज के पास कि वो थोड़ा बहुत जो है अपना भरम वो रखे और खामोशी से निकल जाए, वरना अब बांग्लादेश से भी बुरा हाल होगा पाकिस्तानी फौज का बलूचिस्तान में। मोबाइल बनाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल टैक्स चोरी के विवाद में फंस गई है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकी कंपनी एप्पल को आयरलैंड में 13 अरब यूरो यानी $14.5 मिलियन टैक्स चुकाने को कहा है, जो करीब 1450 करोड़ भारतीय रुपए होते हैं। इस दिग्गज कंपनी पर आरोप है कि इसने आयरलैंड सरकार से स्वीट हार्ट डील की और मामूली टैक्स चुकाकर यूरोप के बाकी देशों को अंगूठा दिखा दिया। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब यूरोपियन यूनियन ने इतनी बड़ी रकम की टैक्स के रूप में डिमांड की है। फोर्ब्स की 2015 की लिस्ट के मुताबिक HCL के मालिक शिव नादर, हिंदुजा ब्रदर्स और स्टील किंग लक्ष्मीकांत मित्तल की जितनी कमाई है उतनी की एप्पल पर टैक्स उधारी है। एप्पल ने फोन, टैब, लैपटॉप बेचकर मुनाफे की मोटी मलाई उड़ाई लेकिन टैक्स नहीं चुकाया। एप्पल और आयरलैंड के बीच ऐसी सेटिंग हुई कि एप्पल को बाकी कंपनियों के मुकाबले नाम मात्र का टैक्स चुकाना पड़ा। दरअसल आयरलैंड सरकार ने ये स्वीट हार्ट डील अमेरिका की बड़ी कंपनियों को अपने देश में निवेश के लिए रिझाने के लिए की थी, लेकिन स्वीट हार्ट डील अब एप्पल और आयरलैंड के लिए गले की फांस बन गई है। एप्पल टैक्स उधारी चुकाने को तैयार नहीं है, आयरलैंड एप्पल से टैक्स मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने 3 साल की जांच के बाद एप्पल को दोषी ठहरा दिया और भारी जुर्माना भी ठोक दिया। Decision sends a clear message. Member states cannot give unfair tax benefits to selected companies. No matter if they are European or foreign, large or small, part of a group or not. यह मामला सिर्फ एप्पल की टैक्स उधारी वसूलने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका बनाम यूरोपियन यूनियन बन गया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कंपनियों को निशाना ना बनाया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल के बाद EU की लिस्ट में अगला नंबर गूगल, अमेज़न और मैकडोनाल्ड का हो सकता है। पैसे चुकाने के लिए एप्पल न सिर्फ पैसा चुकाने के लिए तैयार है, बल्कि उसने यूरोपियन यूनियन के देशों में नौकरियां घटाने की चेतावनी दे दी है। गौरतलब है कि 7 दिसंबर को आईफोन सीरीज का नया फोन आईफोन 7 रिलीज होना है, उससे पहले रंग में भंग पड़ गया है। क्रिकेटर युवराज सिंह की मंगेतर हेजल कीच ने अपने साथ नस्ल भेदी बर्ताव का आरोप लगाया है।
हेजल का आरोप है कि मनी ट्रांसफर सेवा देने वाली कंपनी वेस्टर्न यूनियन के कर्मचारी ने उन्हें ये कहकर पैसे देने से मना कर दिया कि उनका नाम हिंदू जैसा नहीं लगता है। हेजल ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की पूरी जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की। हेजल के साथ हुए इस तरह के नस्लभेदी बर्ताव से युवराज भी खासे नाराज दिखे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। हेजल के साथ हुए इस नस्लभेदी बर्ताव से नाराज युवराज ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। हेजल ने ट्वीट किया है कि अब तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूं, उनमें से जयपुर में वेस्टर्न यूनियन के कर्मचारी सबसे ज्यादा नस्लभेदी इंसान हैं। उन्होंने ये कहते हुए मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया कि मेरा नाम हिंदू नहीं है। ये घटना मेरी हिंदू माँ और मुसलमान दोस्त के सामने हुई। इसके अलावा हेजल ने ट्वीट करके कहा है, मेरा नाम हेजल कीच है और मैं जन्म से हिंदू हूँ, लेकिन वेस्टर्न यूनियन को मुझे पैसे देने में इससे क्या फर्क पड़ता है। हेजल के ट्वीट के बाद युवराज भी इस ट्विटर वॉर में कूद पड़े हैं और युवराज ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवराज ने ट्वीट कर कहा कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त के काबिल नहीं, हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाए। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में युवराज ने ट्विटर पर ही हेजल कीच से सगाई का ऐलान किया था। दिशा पटनी के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर टाइगर श्रॉफ चाहे जितना भी इनकार करते रहें, मगर सच्चाई सामने आ ही जाती है। हाल ही में एक सीक्रेट वैकेशन पर गए टाइगर और दिशा की इन तस्वीरों ने इस खबर पर मुहर लगा दी है कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं है। दिशा के साथ टाइगर कई दफा देखे जा चुके हैं, कभी दिशा के घर के बाहर तो कभी किसी रेस्टोरेंट में चिल आउट करते हुए, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर अपनी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है। टाइगर से पूछे जाने पर वो दिशा को अपना अच्छा दोस्त ही बताते हैं, मगर इन दोनों की वैकेशन पिक्चर्स ने इनके बीच रिलेशनशिप की सच्चाई उजागर कर दी है। दरअसल दिशा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो बिकनी पहने हुए किसी रिजोर्ट जैसी जगह पर दिख रही हैं। दिशा की बैक ही दिख रही है, जाहिर है ये फोटो किसी और ने लिया है। वहीं टाइगर श्रॉफ ने भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो वैसे ही लोकेशन पर टॉपलेस दिखाई दे रहे हैं। टाइगर की ये तस्वीर भी किसी और ने खींची है। अब इन दोनों तस्वीरों से ये तो साफ हो गया है कि टाइगर और दिशा एक ही जगह पर हैं, लेकिन फोटो साथ में क्यों नहीं खींची, ये जरूर सोचने वाली बात है। वैसे टाइगर की इन तस्वीरों ने रणबीर और कटरीना कैफ की स्पेन वाली छुट्टियों की याद दिला दी है, जिन तस्वीरों ने काफी हंगामा मचाया था। पर टाइगर दिशा जैसी स्मार्टनेस रणबीर कटरीना नहीं दिखा सके थे और छुट्टियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। मशहूर ब्रिटिश जर्नलिस्ट पियर्स मॉर्गन ने एक बार फिर से ट्विटर पर टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग से पंगा लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की धांसू जीत के बाद पियर्स मॉर्गन ने सहवाग को चैलेंज दे डाला। मॉर्गन ने ट्वीट किया, हाय वीरेंद्र सहवाग, मैं 1 मिलियन दान करने की शर्त लगाता हूँ कि इंग्लैंड वनडे वर्ल्ड कप जीत जाएगा इससे पहले कि भारत ओलंपिक में अगला गोल्ड मेडल जीते, स्वीकार है आपको। इससे पहले मॉर्गन ने भारत के रियो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद के जश्न को लेकर ट्वीट किया था कि 1.2 बिलियन आबादी वाला देश दो हारे हुए मेडल का जश्न मना रहा है, ये कितना शर्मनाक है। फिर क्या था, वीरू पाजी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया था, हम हर छोटी खुशी का जश्न मनाते हैं, लेकिन इंग्लैंड ने क्रिकेट की खोज की लेकिन अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, फिर भी वर्ल्ड कप खेलता है, शर्मनाक।